वेलकम टू माय चैनल वेलनेस डाइट। अगर आज आपको टिम हॉर्टन जाने का मन है तो आप ये सोच लेना कि वहां पे बहुत वेटिंग है। टिम हॉर्टन इंडिया में भी आ चुका है ब्रांड। आज हम इसका ब्रेकफास्ट मेन्यू घर पे ही बना लें, जो कि बहुत इकोनॉमिकल, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आज हम बनाने लगे हैं अपने एग स्लाइडर्स और हम बनाने लगे हैं चीज टमेटो क्रॉसर सैंडविच, वो भी होममेड, वो भी टिम हॉर्टन स्टाइल में। तो क्यों ना आप इतनी टेस्टी रेसिपी, वो भी ब्रेकफास्ट मेन्यू घर पे ही बनाएं और टिम हॉर्टन की लॉन्ग क्यूज में ना खड़े हों। गेट स्टार्टेड विद सम इंग्रेडिएंट्स। सॉल्ट टू टेस्ट यानी कि नमक, ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च, चिली फ्लेक्स यानी कि लाल मिर्ची, सम टमेटोज, चॉप टमेटोज, सम येलो बेल पेपर्स, सम ओरिगैनो यानी कि पीली शिमला मिर्च, टमाटर कटा हुआ। हमारे को चाहिए थोड़ी सी ग्रीन कैप्सिकम, चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम यानी कि हमारी शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, कुछ चॉप्ड अनियंस कटे हुए प्याज, सम स्लाइस ऑफ टमेटोज, टमाटर स्लाइस करे हुए, सम बटर, सम ग्रीन चिली चॉप्ड यानी कि हरी मिर्च, कुछ लेटिस चाहिए, आइसबर्ग लेटिस है ये कटी हुई, वॉश देम प्रॉपरली। कुछ हमें चाहिए कुछ स्मॉल साइज पाव बंद और क्रॉसो, ये किसी भी बेकरी में इजीली अवेलेबल है। ये स्लाइडर के लिए काम आएगा और ये क्वासों के लिए। कुछ चीज स्लाइस और कुछ स्प्रेड चीज, ये पिरी पिरी स्प्रेड चीज है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी ले सकते हैं। लेट्स टेक अ बाउल एंड क्रैक सम एग्स। हमने यहाँ पे दो एग्स लिए हैं, पहले हम एग स्लाइडर बनाएंगे। दो अंडे ले लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे अपनी चॉप ग्रीन चिली यानी कि हरे मिर्च स्वाद अनुसार, सम चॉप्ड अनियंस यानी कि प्याज, बारीक काटना इसको, सम चॉप्ड टमेटोज, हमने इसमें सीड्स निकाल लिए थे, सम येलो बेल पेपर चॉप्ड, पीली शिमला मिर्च, टीस्पून ऑफ ओरिगैनो और मे बी लिटिल, वेरी लिटिल चिली फ्लेक्स, बिकॉज हमने हरी मिर्च ऑलरेडी डाली थी तो टू मच स्पाइसी ना हो जाए। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप वो ऐड कर लो। अ बिट ऑफ ब्लैक पेपर टू टेस्ट यानी कि नमक, जो अपने स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छे से विस्क करेंगे, ऐसे करना है ताकि कोई लम्स ना रह जाए हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें बटर को कोट करेंगे, ग्रीस करेंगे। अब हम अपना मिक्सचर ऐड करेंगे ऑमलेट का, हमें स्मॉल साइज के बनाने हैं। वन साइड इसकी कुक्ड हो जाएगी तो हमें इसको फ्लिप करना है टू अनदर साइड, तो ओवर कुक नहीं करना, इट्स ऑलमोस्ट डन। अब हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और अपने पाव को काटते हैं। अब हम अपने पाव पे बटर को कोट करेंगे और इसको गरम करेंगे, सेकेंगे, ग्रिल करेंगे। ये सारे बन, इनको ओवर ग्रिल नहीं करना, इसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना। हॉटन्स में जाके इतने 3-4 आवर्स की क्यू में वेट करके क्यों ना हम उसके मेन्यू को घर पे ही ले आए और इजीली बनाएं विद इजी इंग्रेडिएंट्स और हाइजीन वे से। एज यू नो, मैं अपनी सारी वीडियोस में कहती हूँ कि हमें होम कुक फूड को प्रमोट करना है, तो हम क्यों ना टिम हॉटन्स का महंगा मेन्यू अपने घर में इकोनॉमिकली और सस्ता बना ले। इसको थोड़ा और फ्लेवर देंगे, थोड़ा और पार्सले या ऑरिगैनो जो भी आपके पास है आप अपनी बेस पे लगा सकते हैं। ऑमलेट को असेंबल करेंगे और हमारा एग स्लाइडर ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है।
हमारे टिम हॉर्टन के एग स्लाइडर बिल्कुल रेडी हैं आप लोगों के लिए। आप इसको इतने इजी स्टाइल से घर पे बना सकते हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे कि आपके वो स्लाइडर या इन स्लाइडर में क्या डिफरेंस है। होपफुली आपको मेरे ये मेन्यू आज के बिल्कुल अच्छे लगेंगे। अब मूव ऑन करते हैं अपने क्रॉसों में, लेट्स गेट रेडी। बनाएंगे अपना एग चीज क्रॉसो टोमेटो सैंडविच, और वो भी उसी मिक्सचर से बनाएंगे जिससे हमने अपने स्लाइडर बनाए थे, वही ऑमलेट का मिक्सचर हम यूज करेंगे। अपने पैन को आप गरम करिए और इस पे कोट करिए कुछ बटर। डालेंगे हम अपना मिक्सचर ऑमलेट का जो हमने बैटर अभी रेडी किया था। नेक्स्ट साइड को हम फ्लिप करेंगे ताकि हमारा ऑमलेट कुक है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और अपने क्रॉसों को काटेंगे बीच में से। ये बहुत सॉफ्ट है तो आप बहुत केयरफुली इसको कट करना। अपने क्रॉसों पे कुछ चीज को स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड चीज लगा के। आप कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं, मैंने पेरी पेरी ली थी, किसी भी ब्रांड की। रखेंगे कुछ अपनी चॉप लेटिस, आइसबर्ग लेटिस है, लेट रखेंगे इसके ऊपर। इसकी असेंबलिंग ही बहुत असेंशियल होती है, तो आप जैसे मैं असेंबल कर रही हूँ आप वैसे ही करना। एग कितना अच्छा लग रहा है। अब हम अपना इस पे चीज स्लाइस डालेंगे और अब हम डालेंगे अपने टमेटोस जो हमने स्लाइस काटे थे गोल गोल। देखिए हमारा क्रॉसो कितना बढ़िया लग रहा है, किसी का भी खाने का मन कर जाएगा। टिम हॉर्टन फेमस है अपने ब्रेकफास्ट मेन्यू में, तो आप भी क्लब कर सकते हैं इतने इजी स्टाइल में अपने ब्रेकफास्ट को इतने इजी होममेड इंग्रेडिएंट्स के साथ ही, बेसिकली लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बन जाएगा। सबके पास घर में ऑमलेट टोमेटो चीज तो होती है, ये बहुत बेसिक है, आप इसको बना सकते हैं घर पे इन चीजों के साथ। लेफ्ट ओवर होम कुक फूड इतना टेस्टी बन सकता है, इतने अच्छे तरीके से अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो किसका मन नहीं करेगा घर पे ही खाने का। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज टमेटो एग चीज क्रॉसो अच्छा लगा है, जो कि है होममेड और टिम हॉर्टन स्टाइल में। क्यों ना आप भी इतना टेस्टी एग चीज टमेटो क्रॉसो अपने घर पे बना सकते हैं इतने इजी तरीके से, और हमारे एग स्लाइडर्स भी आप बना सकते हैं। आप इसको टमेटो केचप के साथ या अपनी किसी भी टेस्टी डिप जो भी आपको अच्छी लगती है उसके साथ क्लब कर सकते हैं। तो आज का आपको मेरा टिम हॉर्टन का स्पेशल ब्रेकफास्ट मेन्यू जो आपके घर के लेफ्ट ओवर सामान के साथ ही बन सकता है, क्यों ना आप भी बनाइए इसको आज अपने घर पे। अगर आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना वेलनेस डाइट। गाइस मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए इकोनॉमिकल हेल्दी टेस्टी इजी रेसिपीज के साथ। हर एक दिन बाद मैं अपनी नई वीडियो लेके आती हूँ, तो प्लीज इसको एक बार ही जरूर ट्राई करना। इस ब्रेकफास्ट को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में बना के देखना, और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मोटिवेट रहूंगी और आप